हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डेटा फ्लेयर पाइथन सी के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टर्बो सी प्लस प्लस के इंस्टॉलेशन की। याद है मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको सी स्टार्ट किया था कि हम दो टाइप से सी के कोड को रन कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल एडिटर, टर्बो सी प्लस प्लस है, देन वी हैव अ VS कोड, देन सम मोर एडिटर्स आर अवेलेबल। लेकिन हम जिस एडिटर को यूज करेंगे वो VS कोड होगा या टर्बो सी प्लस प्लस होगा। तो VS कोड के इंस्टॉलेशन पे हमने काफी डिटेल में बात की, मैंने आपको पूरा VS कोड इंस्टॉलेशन बताया था। लेकिन अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में भी कोड लिखना चाहते हैं तो दैट इज योर चॉइस। तो चलिए एक बार टर्बो सी प्लस प्लस का भी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको टर्बो सी प्लस प्लस के इंस्टॉलेशन के लिए गूगल पे जाके टाइप करना है टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 10। ओके, और देर आर मेनी वेबसाइट्स आर अवेलेबल वो प्रोवाइड यू द टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर या सॉफ्टवेयर। ओके, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आई विल गो विद दिस। ओके, softonics.com, यहां पर जाके आपको फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज में जाना है। दिस इज वॉट अपग्रेडेड वर्जन, तो ये फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। एंड दिस इज वॉट एन ऑप्शन फ्री डाउनलोड, ये आप क्लिक करेंगे एंड इट टेक्स हार्डली 2 to 3 seconds, नॉट मोर देन दैट। सी दिस वन एंड माई टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। डिफरेंस दोनों में हमने देखा था कि टर्बो सी प्लस प्लस, अब देखिए अब इसको आपको सीधे डाउनलोड्स में जाना है। ठीक है, गो टू दिस डाउनलोड और डाउनलोड में जाके आपको अपना ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सी, ये है टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज। दो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी पहले भी इंस्टॉल किया था, तो वो था, डाउनलोड किया था। अब इसको पहले यहाँ से कॉपी करके आप अपने बैकअप में रख लीजिए। तो आप देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसको सिंपली कॉपी किया एंड टेक क्रिएट सम फोल्डर जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं, जैसे सी डेटा में। ओके, यहां पर ऑलरेडी है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं सो दैट ये सिंपली पेस्ट इट। ओके, एंड यहीं पर हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो जिप फाइल है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे दिस इज वॉट द exe फाइल जिसको आपको रन करके टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपली राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। किस पे, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है या आपकी जिप फाइल है जो हम डाउनलोड करके लेके आए, इसको आपको, जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया है उस पर राइट क्लिक करिए एंड यू विल गेट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन, और यू कैन डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन दैट, वो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। मतलब आप डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रन कर दीजिए एंड दिस इज वॉट नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है इसके बाद, नेक्स्ट इंस्टॉल एंड इट टेक्स हार्डली 50 seconds। ओके, और ये टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है, फिनिश एंड देन आफ्टर इफ यू कैन फाइंड, यू विल फाइंड दिस शॉर्टकट टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज। ओके, 7 है पर वो 10 के लिए भी वैलिड है एंड दी सी। अब मैं इसको जब ओपन करूंगा सो दैट आई विल गेट दिस स्क्रीन हियर, वो डिफॉल्ट प्रोग्राम दे रहा है, आई विल गेट दिस स्क्रीन हियर। तो अब मुझे यहां पे सिंपली क्या करना है, ये जो प्रोग्राम है अगर आप इसको रन करके देखोगे सो यू विल गेट दैट आउटपुट जो भी हमें दिख रहा था, ये इट इज समथिंग लाइक, ये इसका इनबिल्ड प्रोग्राम है ना, ये हमने नहीं बनाया है, इट्स एन इनबिल्ड प्रोग्राम। ओके, अब वो पूरा प्रोग्राम रन करेगा। चलिए मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूं, आई विल जस्ट गो विद दिस स्टॉप ऑप्शन, ये आ गया। अब देखिए बाय चांस अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर रहे हैं यू फाइंड दिस स्मॉल विंडो, तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर से आप इसको स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट दिस स्क्रीन इनटू अ बिगर स्क्रीन। ओके, अब देखिए यहां पर अगर मुझे नया प्रोग्राम लिखना है तो अब आप एक चीज समझिए, अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये प्रोग्राम तो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से सेव हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन एडिटर फॉर सी एंड सी प्लस प्लस बोथ, ये दोनों का कॉमन एडिटर है, इसमें आप सी प्लस प्लस का भी कोड लिख सकते हैं और सी का भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं सर मुझे सी का कोड लिखना है और मेरे प्रोग्राम का एक्सटेंशन मुझे हमेशा डॉट सी ही मिले, आई डोंट वॉन्ट दिस डॉट सीपीपी, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनवायरमेंट, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर, यहां आपको सिंपली जाके डिफॉल्ट एक्सटेंशन को क्या कर देना है, डॉट सी, दैट्स इट। लेकिन इस फाइल में चेंज नहीं होगा। अब अगर आप कोई नई फाइल ओपन करेंगे तो आप देखिए आपको अब जो फाइल मिल रही है वो किस एक्सटेंशन की मिल रही है, इट इज डॉट सी एक्सटेंशन। तो अब यहां पर हम सिंपल अपना कोड लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच,
एंड देन मेन। अब यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली हम टर्बो जब वीएस कोड में जाते हैं सो यू राइट इंट मेन, हालांकि यहां भी लिख सकते हैं आप इंट मेन, कोई इश्यू नहीं है इंट मेन, ठीक। एंड सपोज एक सिंपल प्रोग्राम हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ वेलकम इन सी, ठीक। एंड देन अब यहां आपको दो कमांड लिखनी पड़ेंगी, एक सीएलआर एससीआर बताया था मैंने आपको, एक सीएलआर एससीआर टू क्लियर द स्क्रीन और एक गेट सीएच फॉर होल्ड द स्क्रीन। हालांकि गेट सीएच कोई थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है इसका, लेकिन आगे समझेंगे। लेकिन यहां पर आपको दो कमांड लिखना पड़ेगी सीएलआर एससीआर क्लियर स्क्रीन के लिए और गेट सीएच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि आप अपना आउटपुट प्रॉपर देख सकें। ओके एंड देन रिटर्न जीरो, ठीक। यहां पर मैं आपको लिखने के अलग अलग तरीके बताता हूं। ओके दिस इज सॉरी, इट इज सीएलआर एससीआर सॉरी, एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट वेलकम इन सी, ठीक क्लियर है। अब आप देखिए यहां पे, यदि आप टर्बो सी प्लस प्लस में हैं तो आपको थोड़े प्रिविलेजेस हैं। अगर आप ये हेड, अगर आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन आपने डॉट सी कर दिया है, इफ योर प्रोग्राम एक्सटेंशन इज डॉट सी, तो टर्बो सी प्लस प्लस में आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल मेन से आप स्टार्ट करें, स्टिल योर प्रोग्राम इज वर्क। ये देखिए वेलकम इन सी, सीएलआर एससीआर हमने इसलिए लिखा है ताकि स्क्रीन क्लियर है। देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो मुझे आउटपुट बार बार सीएलआर एससीआर मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं हर बार नया आउटपुट के पहले मेरी स्क्रीन क्लियर हो, सो दैट वी विल गो फॉर सीएलआर एससीआर, तो आप सारे प्रोग्राम टर्बो सी प्लस प्लस में भी रन करके देख सकते हैं जो हम अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वीएस कोड भी है और टर्बो सी प्लस प्लस भी है, चॉइस इज योर्स। प्रेफरेंस मैं आपको बोलूंगा वीएस कोड को यूज करें, थोड़ा ग्राफिकल एडिटर है तो थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा आपको मिलेगा, दैट्स इट। अदरवाइज टर्बो सी प्लस प्लस भी बेस्ट एडिटर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों को यूज करता हूं, दोनों को प्रेफरेंस है मेरा, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहां से सेव नहीं करना है अभी, ओके। और ये अपना टर्बो वीएस कोड है जिसको ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम देख लिया है कि हाउ टू यूज वीएस कोड, वीएस कोड को किस तरीके से यूज करना है ना। तो चॉइस आपकी है, आप वीएस कोड को यूज करना चाहें या टर्बो सी प्लस प्लस को। लेकिन इंस्टॉलेशन दोनों का बड़ा सिंपल है, ठीक है। वीएस कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस तो सिंपली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट करिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने रहिए, क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं जो इंटरव्यू एग्जाम्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डाउनलोड कर लीजिए फटाफट ताकि आगे की प्रोग्रामिंग आपके लिए ईजी रहे। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।